मित्रों नमस्कार, मैं प्रेमनाथ दुबे वर्ड जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से अकबर के नवरत्नों को याद कराने का ट्रिक या याद रखने का ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो अकबर के नवरत्न थे तो उनको याद कैसे किया जाएगा, तो उनको याद करने का ट्रिक ये ऐसे आप याद करेंगे, बात बात में MDH। MDH मसाले के बारे में आप लोग दादाजी को याद करेंगे, दिमाग में हमेशा रहेगा MDH मसाले वाले। तो एक फनी ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको नवरत्न याद हो जाएगा। बात बात में यहाँ साइलेंट रहेगा MDH। अब यहाँ पे देखिए, पहला बी जो है बीरबल, दूसरा ए अबुल फजल, तीसरा टी तानसेन, फिर आगे भी बात है। तो पहले बी से भगवान दास, फिर ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, एम से MDH मसाले जब आएगा लास्ट में तो एम से मानसिंह, डी से दो प्याजा मुल्ला और एच से हकीम हुक्काम। इसको मैंने अंग्रेजी स्पेलिंग में भी लिखा है, हिंदी में ही लिखा है। पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन, फिर आगे बात से भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर टी से टोडरमल, फिर एम मसाले MDH से मानसिंह, फिर डी दो प्याजा मुल्ला और एच से हकीम हुक्काम। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलेंगे कि ये नवरत्न क्या करते थे अकबर के दरबार में। बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कि अकबर के हमेशा सलाहकार के रूप में काम करते थे और साथ साथ रहते थे। अबुल फजल एक अच्छे इतिहासकारक थे और उन्होंने बहुत से पंचतंत्र जैसे हिंदी काव्यों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तानसेन ये पांडे परिवार से थे जो कि एक अच्छे संगीतज्ञ थे, संगीत के महारत इनको हासिल था। इसके बाद बी भगवान दास, भगवान दास की बहन की शादी अकबर से हुई थी और अकबर ने इनको काफ़ी राजपाट सौंपा हुआ था। इसके बाद आते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाने, तो ये जो है उनके दरबार में काम करते थे जो कि एक राजकवि के रूप में। इसके बाद टोडरमल जो कि एक राजस्व के देखरेख करते थे। मानसिंह जो है वो अकबर के दरबार में सेनापति थे और मानसिंह का कहा जाता है कि अकबर के प्रति हिंदुओं को अधिक स्नेह देने का जो काम किया था वो मानसिंह ने ही किया था। इसके बाद दो प्याजा मुल्ला, ये हुमायूं के समय में ही आई थी और खाने में दो प्याजा इनको ज़्यादा पसंद था, इसलिए इनका नाम दो प्याजा मुल्ला रखा गया था जो नवरत्नों में शामिल किया गया था। इसके बाद ये थे हकीम हुक्काम, ये राजकवि थे और अकबर के दरबार में नवरत्नों में आते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप लोग बात बात में MDH अगर इस ट्रिक को याद करके रखेंगे तो आप बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाने, टोडरमल, मानसिंह, दो प्याजा मुल्ला और हकीम हुक्काम, ये जो है अकबर के नौ रत्नों में थे। तो मित्रों मैं YouTube पे लोड करूँगा, आप लोगों को भेजता हूँ, आप लोग देखते भी हैं, कृपया उसको जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे, और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।